सो हेलो वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं सुबह XLTD के बारे में। एक टेक्नोलॉजी सर्विस, एक आईटी सेक्टर का एक कंपनी है जो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया था पिछले कुछ हफ्तों में। अगर हम 2 वीक्स पहले की बात करें तो 67 तक भी स्टॉक जा चुका था। हम इसके बारे में बात करेंगे, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कितना है और बढ़ सकता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा हमें एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो अच्छा खासा है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। बट ये जैसे ही फ्लैग पैटर्न जैसे बनता है ऊपर की ओर, दो प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, एक टॉप वाला होता है, एक इन्वर्सल होता है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा नॉर्मल सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है फ्लैग पैटर्न। तो जैसे ही है यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, नीचे आया, इसी के अंदर इसने काम किया, तो ये नीचे की ओर आ सकता है लगभग इस लेवल तक 53, मतलब लगभग 53 रुपये तक ये स्टॉक आ सकता है और यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे कहीं भी अगर ऊपर की ओर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो रिटेस्ट करके अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम बता सकता है। अगर ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट देता है तो हमें वेट करना होगा इस लेवल का, यहाँ तक आने तक का हमें वेट करना होगा। आप देख सकते हो इस लेवल तक आने तक का हमें वेट करना होगा 65 रुपीज़ तक। तो और ये पिछले कुछ हफ्तों में 67 तक भी चले गया था और यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर आ सकता है। जो और 65 के लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो हमें हायर हाई, इसमें नए हायर हाइज देखने को मिल सकता है। बट अगर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो ये ज़्यादा नीचे की ओर नहीं आएगा, यही कहीं पर ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है। यहाँ पर सपोर्ट मेन है, जो कि इसने 2 बार नीचे की ओर ले लिया है, ऊपर से इसे रिजेक्शन भी मिल गया है। एक अच्छा इसमें पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। सो गाइस, अच्छे इसमें कमाई के आसार हमें दिख रहे हैं। अगर आप इसमें इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो भी एक अच्छा मौका बन सकता है आपको पैसे कमाने के लिए, अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो। अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा पड़ा है तो अच्छा खासा क्वान्टिटी में आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।